हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पॉकेट गुरुजी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने नेक बैंड ब्लूटूथ नेक बैंड का या फिर कोई भी डिवाइस है आपका ब्लूटूथ डिवाइस, उसका नाम आप कैसे चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, नाम आप समझते हो ना, जब आप सर्च कराने जाते हो, जब आप कनेक्ट करने जाते हो तो वहाँ पे आपको नाम दिखता है इसका, इस ब्लूटूथ का क्या नाम है, तो उसको आप कैसे चेंज करके अपने मन मुताबिक जो भी आप रखना चाहो उसको रख सकते हो। दोस्तों इसको करने के लिए बस आपको क्या करना है, 2 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। 2 मिनट के अंदर ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कैसे आप अपने ब्लूटूथ डिवाइस का नाम चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चलिए मैं पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन हो रहा है, फटाक से मैं बता दूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑन हो गया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपना ब्लूटूथ डिवाइस जो है वो ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाक से अपना ऑन कर लेता हूँ, और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है आपको अपने ब्लूटूथ डिवाइस पे, ब्लूटूथ वाले आइकॉन पे क्लिक करके आपको ब्लूटूथ वाले सेटिंग में आ जाना है। अगर आपको यहाँ से नहीं आना होता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाना है आपको, यहाँ से आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपके सेटिंग में आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पे चले जाना है और आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस ये सर्च कर रहा है अभी, तो यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस अभी शो होगा। तो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है वो शो हो गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पेयरिंग करना पड़ेगा, यानी कनेक्ट कर लेना है अपने ब्लूटूथ डिवाइस को, अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउ करना है और यहाँ पे आपको पेयर कर देना है, और यहाँ पे ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा आपका डिवाइस। जब सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक गोला बना के, उसमें आई लिखा होगा, तो यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस नेम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी चाहे आप इसको नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हो, यहाँ पे अब जो भी इस डिवाइस को कनेक्ट कराएगा उसको यही नाम शो होगा, ठीक है। तो ऐसे आप भी बहुत ही आसान तरीके से अपना जो ब्लूटूथ डिवाइस है उसका नाम आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, या फिर नाम को रीनेम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।